स्पीकर नहीं बन पाएंगे। ऐसा है कि लल्लू सिंह की गलती से वो राजा बन गए, वो क्षेत्र में निकलते नहीं थे, इसलिए चुनाव हार गए, दूसरे टिकट मिला। माहौल तो अच्छा है बीजेपी का, लेकिन कैंडिडेट दो रखना सबसे बेस्ट कैंडिडेट है आपका। कल भाजपा के सिर पे ताज बनेगा, विकास जो करता है। पांडे आप देख रहे हैं 24 इंडिया। मित्रों, हमारी टीम इस समय अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा में मौजूद है, जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए ये रोड इधर रायबरेली रोड को जाता है और सुहावल की तरफ जाता है, और इधर ये रोड कुचेरा बाजार की तरफ से जाता है। जहां तक आप लोग देख रहे होंगे, ये है पलिया जगमोहन चौराहा, और यहाँ बैठे हुए हैं कुछ बाजारवासी, जिनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले विधानसभा उपचुनाव में ये लोग किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विधायक रहे अवधेश प्रसाद अब सांसद हो चुके हैं, जिसके चलते यह सीट रिक्त हो गई है। अब यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के अभी तीस की घोषणा तो नहीं हुई है, ना ही प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। बावजूद इसके विभिन्न दलों के दर्जनों प्रत्याशी गांव गांव घर घर जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। ऐसे में अभी इन लोगों से हम जानने का यह प्रयास करेंगे कि इनके यहाँ माहौल किसका चल रहा है। हाँ दादाजी, आपका शुभ नाम? गिरधर पांडे। तो दादाजी ये बताइए कि आपके यहाँ किसका माहौल बढ़िया चल रहा है? बहुत ही बढ़िया है। किसका माहौल चल रहा है, किस पार्टी का? भाजपा। कैसे, क्या उसमें क्या अच्छाई है? अच्छा ही है। अभी आपका परिचय? भूलचंद। तो आपके यहाँ माहौल किसका चल रहा है? माहौल तो चलता है, गोरखनाथ टिकट पाई है तो जीत सकते हैं। मान लीजिए कि वो टिकट नहीं पाते हैं, 12-13 प्रत्याशियों में से कोई और पा जाता है, तो उनका टक्कर दे, माहौल बना, तो माहौल बना। अच्छा ये बताइए, 13 प्रत्याशी हैं, 13 में से आपको कहा जाए कि नंबर एक देना है, तो आप किसको नंबर एक देंगे? हम तो गोरखनाथ के देंगे। मतलब आपका कहना है कि गोरखनाथ बाबा को फिर से टिकट मिल जाए तो हम लोग उनके पक्ष में मतदान करेंगे। मान लीजिए अगर दूसरे को मिलता है तो? माहौल बनावे पड़े क्षेत्र, माहौल पड़े क्षेत्र, तुम्हारा क्यों तक हुआ नहीं हुआ? नहीं, अभी उनका माहौल नहीं बना। ठीक है, गोरखनाथ का, गोरखनाथ माहौल है। अच्छा, इनके सपा की क्या स्थिति रहेगी? सपा की स्थिति तो गोरखनाथ से टक्कर होगा, गोरखनाथ से टक्कर होगा। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि वो अयोध्या के अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा बन गए हैं, और उनके लड़के को हम यहाँ का राजकुमार बनाएंगे, इस पे क्या नहीं बन पाएंगे। ऐसा है कि लल्लू सिंह की गलती से वो राजा बन गए हैं, वो क्षेत्र में निकलते नहीं थे, इसलिए वो चुनाव हार गए। दूसरे टिकट मिला होता तो यहाँ राजा न बन पाते, भाजपा जीतती, कम से कम 1 लाख वोट जीतती। लल्लू सिंह ने क्या गलती किया था? क्षेत्र में निकलते नहीं थे, कोई जाता था उससे बातें नहीं करते थे, बैठा रफ्तार लेते, कोनो काम नहीं। आइए और जानते हैं। भाई साहब, आपका परिचय? हम सुनाई न पाया। क्या नाम? आपका शुभ नाम क्या है? कृपाशंकर तिवारी। कहाँ रहने वाले हैं? मंगल पाड़ी पुरा। तो आपके यहाँ किस दल का माहौल चल रहा है? किस पार्टी का माहौल ज्यादा चल रहा है? माहौल तो अच्छा है बीजेपी का, लेकिन कैंडिडेट गोरखनाथ सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। आपका ये कहना है कि कैंडिडेट बदला जाना चाहिए? कैंडिडेट बदला जाना चाहिए। हाँ, अगर सही कैंडिडेट आ जाए तो ठीक है। अच्छा, तो 12-13 प्रत्याशी मैदान में हैं। अगर आपको कहा जाए कि नंबर एक दीजिए किसी प्रत्याशी को, तो किसको आप देंगे 12-13 में से? जैसा योगी मोदी के नाम भले दे, लेकिन गोरखनाथ के नाम पर वोट नहीं देंगे। एक प्रत्याशी में जो 12-13 खड़े हुए हैं बीजेपी से, नंबर एक पर किसको रखते हैं? हमारे ख्याल से नंबर एक पर क्या बोलते हैं, विजय कुमार फौजी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? वो कुमारगंज के। आपसे मुलाकात हुई है? आप ही नए कैंडिडेट हैं, इसलिए जो है हो सकता है काम करें, नहीं हो। हाँ भैया, आपका परिचय? विनय कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? बोठवारा गांव के। तो इस बार किसके सिर पर ताज बांधने जा रहे हैं? सर, भाजपा के सिर पर ताज बांधेंगे, विकास जो करता है। मतलब आपके एरिया पूरा भाजपा में है? एरिया पूरा भाजपा में है, अयोध्या का विकास किया है, हिंदुत्ववादी पार्टी है। नहीं, सपा वाले तो कहते हैं कि भाजपाइयों ने जगह जगह गोबर छोड़ दिया है, जैसे खेती नष्ट हो रही है। ये तो समस्या है, लेकिन गोबर तो हम लोगों ने छोड़ा है, वो भाजपा वाले वो आकर जो है मुख्यमंत्री थोड़े छोड़े हैं, हम ही लोग तो गांव वाले छोड़े हैं। उसकी बात तो अलग ही है, भाजपा हम लोग देते हैं, वो तो भाजपा को देके विकास अयोध्या का हुआ है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे अयोध्या राम मंदिर हो, विशेष करके सारी सड़कें हमारी जो है चौड़ी हो गई। आइए और जानते हैं। हाँ भाई साहब, आपका परिचय? प्रेमनाथ यादव। तो यादव जी ये बताइए,
कि आपके एरिया में किसका माहौल चल रहा? माहौल दोनों लोगों का, भाजपा का भी है और सपा का भी है। माहौल दोनों ही पार्टियों का यहाँ लड़ाई है। टक्कर किसके किसके बीच में? टक्कर भाजपा और सपा की है। बसपा भी अपना कैंडिडेट उतार रही है, तो क्या उससे भी कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, बसपा तो मान चलिए कि जब तक बहन मायावती जी अपना खुद आए वो अपने वोटरों को मतलब समझाए तो हो सकता है, बाकी वो कोई विशेष लड़ाई में नहीं रहेंगी जब तक वो नहीं आती यहाँ। देखिए भाई साहब का कहना है कि यहाँ पर भाजपा और सपा की आपस में जबरदस्त टक्कर है और यही दो लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, दोनों में से अगर कहा जाए कि नंबर एक नंबर दो, तो किसको नंबर एक देंगे कि किसको नंबर दो? अभी तक चाहे भाजपा का कोई नेता रहा हो यहाँ का या सपा के जो जीते हैं या जो पहले भी थे, हमारे इस एरिया में कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने कोई बहुत अच्छा काम किया है। जैसे गोठवारा ग्राम सभा है हमारी, जरपलिया है, तो अभी एक जो सड़क है चौराहे पर थी, ये सड़क जाती है वहाँ चमनगंज मार्केट को, अगर आप अभी जाकर देख लीजिए तो वहाँ आप इसी ढोकलपुर गांव में आप दो चक्की मोटरसाइकिल से नहीं जाएंगे, लोग पलिया से जाके उधर गुजरते हुए चमनगंज जा पाए। इसके लिए आपने किसी से कहा? सारे यहाँ के सभी विधायकों को, अवधेश प्रसाद जी को भी ज्ञापन दिया गया है, वो भी आए थे यहाँ, गोरखनाथ बाबा भी मतलब उनसे भी कहा गया है। ऐसा नहीं है, ये बताइए, मान लीजिए सपा और भाजपा में कहा जाए कि नंबरिंग करिए, तो नंबर एक किसको? किसी लायक नहीं।